रेलवे बम्पर भर्ती 2019 दुनिया की सबसे बड़ी भर्ती मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज की ओर से 1,27,000 पद सृजित किए गए और प्रोसेस कंप्लीट भी हो चुकी है और 200 आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम शेड्यूल भी डिक्लेयर हो चुका है। तो चलिए दोस्तों, पूरी जानकारी आपको शेड्यूल मिल जाएगी। उसके बदले अगर आप आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उसके लिए सबसे बेस्ट बुक अवेलेबल हो चुकी है, जिसकी लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगी, जहाँ से आप बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हो, रेलवे ने की दुनिया की सबसे बड़ी भर्ती, 1,27,000 वैकेंसी निकाली गई थी और 2,40,00,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किए इन पदों के लिए। जी हां दोस्तों, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पीआईबी की ओर से जो ऑफिशियल प्रेस रिलीज जारी हुआ है, जिसका लिंक मिल जाएगा, जहाँ से आप पूरी जानकारी देख सकते हैं। सो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेक करें। भारतीय रेलवे ने सफलतापूर्वक दुनिया की सबसे बड़ी भर्ती आयोजित करने का कीर्तिमान स्थापित किया है। वर्ष 2018 फरवरी माह में रेलवे ने ग्रुप सी असिस्टेंट लोको पायलट ALP और ग्रुप डी के पदों पर 1,27,000 भर्तियाँ निकाली थी और इन पदों के लिए 2,40,00,000 आवेदन आए थे। रेलवे ने इन पदों के लिए परीक्षा के तमाम चरण पूरी सफलता के साथ आयोजित किए। ALP के 64,371 पदों पर 47,45,000 उम्मीदवारों ने और ग्रुप डी लेवल 1 के 63,202 पदों के लिए 1,90,00,000 उम्मीदवारों ने आवेदन किया था और इन आंकड़ों ने इस भर्ती को दुनिया की सबसे बड़ी भर्ती बना दिया। जी दोस्तों, बहुत बड़ी अपडेट आई है, ऑफिशियल प्रेस रिलीज भी जारी हो चुका है। जी दोस्तों, पिछले साल 9 अगस्त से 4 सितंबर के बीच देश के 166 शहरों में 440 केंद्रों पर 11 दिनों के भीतर 33 शिफ्टों में असिस्टेंट लोको पायलट और टेक्नीशियन भर्ती परीक्षाएं CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आयोजित किए गए। करीब 36,42,000 उम्मीदवार एग्जाम में बैठे। ALP टेक्नीशियन की सेकंड स्टेज परीक्षा 21 जनवरी 2019 से 23 जनवरी 2019 तक 9 शिफ्टों में आयोजित की गई और इसमें 88% अटेंडेंस रही और 17,500 पदों पर चयनित पैनल रेलवे में तैनात कर दिया गया है और मेडिकल अपीलों के कारण शेष पदों पर उम्मीदवार का नियुक्त किया जाना अभी बाकी है। रेल मंत्रालय ने कहा है कि शेष नियुक्तियों के लिए जल्द ही जोनर रेलवे को कहा जाएगा। इसमें 1,90,00,000 योग्य उम्मीदवारों में से 1,17,14,754 परीक्षा में बैठे। इसके बाद PET व डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ। RRB ग्रुप डी लेवल 1 की भर्ती परीक्षा CBT 17 सितंबर 2018 से शुरू हुई और 17 दिसंबर 2018 को संपन्न हुई। परीक्षा 51 दिनों में 152 शिफ्टों में देश के 16 शहरों में 405 केंद्रों पर आयोजित की गई और इसमें 1,90,00,000 योग्य उम्मीदवारों में से 1,89,82,719 ने CBT परीक्षा में हिस्सा लिया। रिजल्ट आया और इसके बाद PET व डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एवं मेडिकल एग्जामिनेशन हुआ। ग्रुप डी के 53,000 पदों पर नियुक्तियाँ की जा चुकी है, शेष पदों पर नियुक्तियाँ जारी है। इस बाबत भी जोनर रेलवे को जल्दी कहा जाएगा। दोस्तों आपको बता दें कि जूनियर इंजीनियर भर्तियों के लिए भी रेलवे ने मई जून 2019 में भर्ती परीक्षा फर्स्ट टेस्ट CBT आयोजित की थी। इसमें 62.5% उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया और दूसरा स्टेज अगस्त सितंबर में हुआ। जल्द ही इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया शुरू होने वाली है और दोस्तों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जाम के लिए यहाँ पर एडमिट कार्ड भी जारी हो चुके हैं, जिसकी लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जहाँ से आप अपने ई एडमिट कार्ड भी डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों RRB NTPC का एग्जाम शेड्यूल भी जारी हो चुका है। यह दोस्तों सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि RRB NTPC की CBT फर्स्ट एग्जाम 16 जनवरी से शुरू होकर 1.5 महीने तक एग्जाम चलेगी, यानी मार्च 2020 तक आपकी एग्जाम पूरी कंप्लीट हो जाएगी और दोस्तों एग्जाम डेट के 4 दिन पहले यानी 12 जनवरी को एडमिट कार्ड जारी कर दिए जाएंगे। दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जहां से आप ऑफिशियल प्रेस रिलीज देख सकते हैं और ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी देख सकते हैं।